बिलासपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंबर ठाकुर ने चुनाव आयोग पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए सभी झंडों और बैनरों को तो हटा दिया, लेकिन भाजपा के नेताओं के नाम अभी भी डस्टबिन के ऊपर अंकित हैं और ये सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए हैं, उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भेदभाव चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए और दोनों पार्टियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। बंबर ठाकुर ने सांसद अनुराग ठाकुर पर वार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा चलाई जा रही सांसद स्वास्थ्य योजना की गाड़ी अभी भी क्षेत्र में घूम रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि जल्द से जल्द इस गाड़ी के ऊपर से सांसद महोदय की फोटो को हटाया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सके। कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बिलासपुर सर्किट हाउस के पास भी कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं जिनपे स्थानीय विधायक का नाम है, और दूरदर्शन केंद्र के पास भी कूड़ेदान लगाए गए हैं उनमें स्थानीय विधायक का नाम है। जगह जगह जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर अभी तक चुनाव आयोग ने इन कूड़ेदान के ऊपर जो सांसद का और विधायक का नाम अंकित है उसको हटाया नहीं है, जबकि जिनके कांग्रेस के लोगों के घरों पे झंडे लगे थे उनको उतरा दिया गया है। यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होने के नाते कि चुनाव आयोग भेदभाव ना करें। यहाँ तक हो रहा है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने चुनावों का फायदा उठाने के लिए एक अपने नाम से अपना फोटो लगा करके एक बैन चला दी, सांसद मोबाइल बैन स्वास्थ्य योजना। और निचली पटेल पंचायत में पिछले कल एक स्वास्थ्य कैंप रखा गया जहाँ पे अनुराग ठाकुर के फोटो युक्त बैन वहाँ पे खड़ी कर दी गई, उन फोटो को तुरंत हटाया जाए और जो नाम उस बैन के ऊपर अंकित किया गया है अनुराग ठाकुर का उसको हटाया जाए।